हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे में अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जब भी कोई एक्सीडेंट या फिर कोई डिजास्टर होता है तो रेलवे का ये सिस्टम तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। तो इसमें आती है दो टाइप की ट्रेन्स। पहली होती है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और दूसरी होती है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेडिकल वैन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मेल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट होता है, मतलब कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, मतलब कि जहां पर भी पैसेंजर्स इन्वॉल्व है, जहां पर भी पैसेंजर्स को कैजुअल्टी हुई है, तो वहां पर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के साथ साथ एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन को भी भेजा जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाया जा सके। तो रेलवे के लगभग हर जोन में कई सारे निर्धारित डिपो किए गए हैं जहां पर ये सारी ट्रेन्स रहती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हर 150 से 200 किलोमीटर के बीच में एक स्टेशन पर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन या फिर एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन का होना बहुत जरूरी है। और लगभग जितने भी बड़े स्टेशन हैं, वहाँ हर जगह आपको ये दोनों भी दिख जाएंगे। आपने कई बार देखा भी होगा इन्हें, आउटर पे हमेशा खड़े रहते हैं ये। अब जब भी कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला आर होता है गोल्डन आर। तो गोल्डन आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे चाहती है इस गोल्डन आर में सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। अब क्योंकि पहले पहले ही काफी लोगों की जान एक साथ बचाई जा सकती है, इसलिए गोल्डन आर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से इनके स्टाफ को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट होगा उसके बाद तुरंत ही 15 से 20 मिनट के अंदर मेडिकल वैन उस स्टेशन से वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ निकल जानी चाहिए। और वहीं एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसे लगभग 40 से 45 मिनट्स लग जाते हैं वहाँ से निकलने में। और मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसके बाद जितनी भी प्रीमियम ट्रेन्स है उन सारी की प्रायोरिटीज खत्म हो जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी की ट्रेन रहती है यही दोनों, मतलब कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। इन दोनों को सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी में चलाया जाता है। सारी गाड़ियों को रोक के इनको सबसे पहले उस स्पॉट पर भेजते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवे के पास टोटल 176 एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स है, 86 एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन है, 90 क्रेन्स है और 6000 के प्लस ट्रेन स्टाफ है, मतलब कि इनका पूरा स्टाफ लगभग 6000 के ऊपर है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन दोनों ट्रेन्स में आखिर होता क्या है, मतलब कि मेडिकल वैन और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इनमें आखिर होता क्या है। तो मेडिकल वैन में तो होता है ऑपरेशन थिएटर, फायर एक्सटिंग्विशर, फोल्डेबल चेयर्स, फर्स्ट एड बॉक्स, बॉडी बॉक्स, ये सारी चीजें मेडिकल वैन में रहती है। मतलब जितना भी मेडिकल रिलेटेड आइटम्स है वो सब के सब मेडिकल वैन में रहेगा। और जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो जो भी पास में डॉक्टर्स रहे या फिर रेलवे हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स हैं उन्हें तुरंत बुलाया जाता है और सिर्फ 15 से 20 मिनट में वो गाड़ी रवाना कर दी जाती है स्पॉट की तरफ। और बाकी मैं आपको बता दूं, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स में भी कई सारी चीज़ें होती है। उसमें तो लगभग हर डिपार्टमेंट का सामान है। उसमें होता है हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी न्यूमेटिक एयरबैग्स, ये यूज होते हैं अगर कोई भी चीज़ गिर गई है तो उन्हें ऊपर लिफ्ट करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अब भाई वहाँ पर लाइटिंग भी लगाना जरूरी है क्योंकि अगर रात में एक्सीडेंट हुआ होगा तो देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ कुछ OHE का ही सामान रहता है ताकि जल्द से जल्द पटरी को दुरुस्त किया जा सके, ताकि बाकी गाड़ियां उस ट्रैक से गुजर सके। इसमें रहता है हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस, वायर रोप स्लिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं, इसमें कई सारे कटिंग टूल्स भी है। साथ ही साथ इसमें रहता है सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि सिग्नल से काम करना बंद कर दें, तो इसलिए इनके पास सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी रहता है ताकि जल्द से जल्द सभी चीज़ों से कॉन्टैक्ट भी हो पाए और जब पटरी को ये लोग थोड़ा ठीक कर दें तो उसके बाद बाकी गाड़ियों को ये सिग्नल भी दे सके। और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत बड़े बड़े हूटर्स बजते हैं जो कि काफ़ी देर तक बजते हैं, और उन्हें सुनकर ही इनका पूरा स्टाफ अलर्ट हो जाता है और तुरंत ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती है ताकि इस ट्रेन को जल्दी से जल्दी रवाना कर सकें। तो जहां जहां एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होगी वहां वहां पर हूटर्स का भी इंतजाम रहता है। और मैं आपको बता दूं, पहले की जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स होती थी और साथ ही साथ पहले की जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन्स होती थी वो सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं रहती थी, मतलब कि वो खुद से नहीं चल पाती थी। तो उसमें क्या करते थे कि जो भी सबसे पास में इंजन रहे, भले ही कोई एक्सप्रेस ट्रेन का रहे या फिर कोई मालगाड़ी का या फिर वो खाली खड़े रहे, उसे तुरंत लेके आते थे, उस ट्रेन में लगाते थे और तुरंत ही लेके जाते थे। लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये ट्रेन को तो बहुत जल्दी जाना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेन काफी जल्दी पहुंचे। इसलिए उसके बाद लाई गई सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन्स, मतलब कि सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स और साथ ही साथ सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। तो इन ट्रेन्स को ऐसा सक्षम बनाया गया कि ये खुद से ही चल लेती हैं, और इन दोनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आर की रहती है, जबकि चलने में तो ये और भी चल सकते हैं लेकिन RDSO ने इन्हें इतना ही बनाया है चलने के लिए। लेकिन इंडियन रेलवे तो लगातार प्रोग्रेस कर ही रही है, इसलिए अब हाई स्पीड वाली भी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स बनाई जा रही है जो कि 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक में चलने को सक्षम रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इनमें जो क्रेन्स यूज होते हैं तो पहले की लगभग सभी गाड़ियों में ये 140 टन के रहा करते थे, और अब नए में रेलवेज 175 टन की क्रेन दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान को उठाया जा सके जब भी कोई एक्सीडेंट होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का कलर होता है रेड, क्योंकि ये इमरजेंसी रिलेटेड रहती है इसलिए इनका कलर रेड रखा जाता है। और कुछ कुछ मेडिकल वैन्स का भी कलर रेड होता है और बाकी कुछ कुछ मेडिकल वैन्स का कलर ब्लू रहता है, और उसमें प्लस का निशान बना रहता है जिससे कि आप अलग से समझ जाएंगे कि ये मेडिकल वैन है। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सीडेंट्स तो बस कभी कभी हुआ करते हैं,
तो ये ट्रेन कई दिनों तक एक ही जगह पे खड़ी रहती होगी, तो क्या ये खराब नहीं होती? क्या इसमें जंग वगैरह नहीं लगती? या फिर इसके स्टाफ भी आलसी हो जाते होंगे? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन ट्रेन को लगभग हर एक महीने में या फिर एक दो हफ्ते में थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है, और लगभग हर महीने इनकी चेकिंग होती है, इनका मेंटेनेंस होता है, इनको थोड़ा सा घुमा के भी लाया जाता है। और जो इनके स्टाफ रहते हैं, तो हर 3 महीने में इनका मॉक ड्रिल होता है, जो कि ये लोग NDRF के साथ में मिलके करते हैं, जिससे कि ये हर सिचुएशन के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, अब से रेलवेज ने ऐसा किया है कि लगभग हर रेलवे स्टेशन में जितने भी पास के डॉक्टर्स हैं या फिर उस जिले का DM या फिर पास का पुलिस स्टेशन, उन सबके वहाँ पर नंबर दिए हैं, जिससे कि जब भी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आए तो तुरंत आप वहाँ से देख के कॉल कर सके और इन्हें कॉन्टेक्ट कर सके, ताकि जल्दी से जल्दी हेल्प वहाँ पर पहुँच सके। तो आज हमने समझा रेलवे का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि रेलवे आपका कितना भला चाहती है। अब आप ये चीज भी ऑब्जर्व करते होंगे कि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि ICF ट्रेन्स का चलन बंद हो गया है, इसके जगह पर LHB ट्रेन्स आ गई है, जो कि काफी ज्यादा सेफ रहती है। और धीरे धीरे सारे ICF कोचेस खत्म हो जाएंगे, मतलब कि जो ब्लू वाले कोचेस है खत्म हो जाएंगे, और इंडियन रेलवे काफी ज्यादा सेफ हो जाएगी। और साथ ही साथ ये जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स है, इन्हें भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवेज हमारी सुरक्षा के लिए कितनी ज्यादा मुस्तैद है, और वो हमेशा हमारा भला ही चाहती है। तो आई होप आज आप अच्छे से समझ गए होंगे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन्स के बारे में। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें, मैं आपको उसे समझा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।